हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एंड्राइडिंग गेम्स चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अमेजिंग होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ एक और फ्रेश रूटिंग मेथड ऑफ 2021, जिसे आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस को जस्ट वन क्लिक से रूट कर सकते हैं, वो भी जस्ट बूम करके। सो जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान सा मेथड है एंड मैंने आप लोग के साथ बहुत सिंपल करके शेयर किया। सो बेसिकली हमारे पास आज के मेथड से आप किसी भी एंड्रॉइड वेरियंट को रूट कर सकते हैं, वट एवर इसका एंड्रॉइड वेरियंट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी लेटेस्ट एंड्रॉइड है, जस्ट वन क्लिक से रूट होगा। बट आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को सही तरह से 2 से 3 मरतबा देखना है एंड देन आप लोगों को स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने स्टेप्स को मिस कर दिया तो आप लोगों का रूट सक्सेसफुल नहीं होगा। सो बेसिकली मैं जिसका जो लास्ट मैथड ट्रेडिशनल मैथड था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एंड वो मैथड अभी वर्क नहीं करेगा। एंड हमारे पास मैं जिसका लेटेस्ट मैथड आ चुका है, जिसमें हमारे पास जितने भी बग्स और एरर्स है उसको रिमूव करके हम किसी भी एंड्रॉइड वेरियंट को 11, 12, कोई भी एंड्रॉइड लेटेस्ट एंड्रॉइड को जस्ट वन क्लिक से रूट कर सकते हैं। एंड हमें जो है ना, जो मेजेस के डेवलपर्स हैं, सो बेसिकली हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने उतना अमेजिंग मेथड हमारे पास रिलीज कर दिया। सो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में मुझे बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रूटिंग के मेथड्स आप लोगों को इसी चैनल से देखने के लिए मिलते हैं, किसी और चैनल से देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो चैनल के साथ रहिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से शेयर कर दूं कि ये मैथड किसी भी एंड्रॉइड पे वर्क करेगा, वट एवर इसका एंड्रॉइड वेरियंट न्यू हो या ओल्ड एंड्रॉइड हो, यानी लेटेस्ट एंड्रॉइड्स और ओल्ड एंड्रॉइड्स पे ये कम्प्लीटली वर्क करेगा, वो भी जस्ट वन क्लिक से। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ये लिमिटेड एंड्रॉइड पे वर्क करेगा, यानी ओल्ड एंड्रॉइड पे वर्क करेगा और लेटेस्ट पे नहीं करेगा, तो ये आप लोगों की सरासर गलती है। बिकॉज मैं आप लोग को अश्योर कर दूं कि इससे आप किसी भी लेटेस्ट और ओल्ड एंड्रॉइड को जस्ट वन क्लिक से रूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को रूट चेक करके जरिए दिखा देता हूँ एंड एज यू कैन सी दैट कि मेरा जो डिवाइस है वो नॉन रूटेड है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किसी भी ब्राउजर में जाना है एंड ब्राउजर में जाने के बाद आप लोगों ने मजिस की फाइल को डाउनलोड करना है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये मजिस का जो मेथड है, ये लेटेस्ट मेथड है, ये चेंज हो चुका है। सो आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो पुराना मेथड आप लोग यूज़ करते थे वही मेथड अभी भी चलेगा, वो चेंज हो चुका है। सो सिंपली आप लोगों ने मजिस की साइट पर जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी दे दूंगा इस ऑफिशियल साइट का। सो आप लोगों ने जस्ट वन क्लिक करना है एंड बूम आप लोग इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। सो यहाँ पर आप लोगों ने मजिस ऐप को डाउनलोड करना है। सो आपके पास ये जो मजिस की फाइल है, ऐप है, वो बेसिकली तकरीबन राउंड अबाउट 6 MB के आसपास एप्लीकेशन आएगी। सो आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, वट एवर आप किसी भी ब्राउजर को यूज़ करें, ये आप लोगों के ऊपर मैटर करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आप लोगों ने ब्राउज़र को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया एंड डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोग को फाइल मैनेजर में जाकर दिखाता हूँ कि मेरे पास किस फोल्डर में पड़ी है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो फाइल या एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो किस फोल्डर में है। सो मेरे पास ये डाउनलोड फोल्डर में है। सो सबसे पहले मैं जिसकी इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है एंड एज यू कैन सी दैट मेरे पास जो मैजिस की ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरे पास जो मैजिस की ऐप है वो आ चुकी है एंड इसके हम ड्रैग करके स्क्रीन पे कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो। सो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मैजिस एंड मैजिस को जैसे ही आप ओपन करोगे इसमें कुछ खास ऑप्शंस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल के एंड्रॉयड वेरियंट पे, तो उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो मैजिस की ऐप इंस्टॉल्ड हो चुकी है बट इट डजेंट मीन कि मेरे पास रूट हो चुका है, रूट नहीं हुआ। इसके बाद लॉजिकल काम यहाँ इसके बाद स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले आप लोगों ने इसके बाद रेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, रार एक एप्लीकेशन होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने मेमोरी को इंटरनल मेमोरी सेलेक्ट करना है एंड इंटरनल मेमोरी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उसी फोल्डर में यानी डाउनलोड फोल्डर में जाना है एंड डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने मैजिस की जो फाइल डाउनलोड की थी उसे सिलेक्ट करके रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो .apk है इसको आप लोगों ने चेंज करके .zip कर देना है, .zip याद रखिएगा। सो .zip करना है। सो ये फाइल आपके पास बेसिकली जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, सो .zip। एंड मैं आप लोगों को फाइल मैनेजर में दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो फाइल का साइट फाइल टाइप है वो चेंज हो चुकी है, जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है, .zip फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। सो पावर ऑफ करने के बाद आपके मोबाइल में इस मैथड के लिए कस्टम रिकवरी का होना जरूरी है। सो कस्टम रिकवरी के लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोग मेक श्योर करें कि अपने मोबाइल में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करें।
इसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल में पावर ऑफ करने के बाद अपने मोबाइल को डाउनलोड मोड में बूट करना है, सॉरी कस्टम रिकवरी में बूट करना है। सो कस्टम रिकवरी के साथ कस्टम रिकवरी के लिए काफ़ी सारे मेथड्स आप लोग गूगल कर सकते हैं, बट सैमसंग के लिए जो मेथड है वो है पावर ऑफ, पावर बटन, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप बटन एंड होम की बटन को अगर एक साथ प्रेस करेंगे 6 to 8 seconds के लिए तो आपको मोबाइल डाउनलोड मोड में बूट कर देता है। सो हियर यू कैन सी दैट मेरा जो डिवाइस है वो डाउनलोड मोड, सॉरी रिकवरी मोड में बूट कर चुका है। सो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एंड इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने मेमोरी को इंटरनल मेमोरी सिलेक्ट करना है, एंड इंटरनल मेमोरी को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने डाउनलोड फोल्डर पे जाना है, एंड डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद जो सिर्फ फाइल आपने कन्वर्ट की थी उसी को सेलेक्ट करके जस्ट स्वाइप करना है, एंड जस्ट बूम करके जस्ट आप लोगों ने विद इन 4 to 5 seconds या 6 seconds आप लोगों ने वेट करना है और आपके पास जो आपका रूट है आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो इतना ही मेथड था, इसके ज़्यादा इसके आगे लॉजिकल काम था ही नहीं। सो इसके बाद आप लोगों ने रीबूट सिस्टम पे क्लिक करना। सो सिंपली आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो फाइल, जो APK फाइल आप लोगों ने इंस्टॉल की थी उसी को रीनेम कर देना .zip फाइल पे और आप लोगों ने अपने मोबाइल में उसे फ्लैश करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर आप लोगों ने, अब हमारे पास फाइल जो है हमारी इंस्टॉल्ड हो चुकी है, फ्लैश हो चुकी है जिप फाइल, एंड मैं रूट चेकर के जरिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा जो डिवाइस है वो रूट हो चुका है एंड इसमें कोई एरर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग चेकआउट करना। सो हियर यू कैन सी दैट हमारे पास जो सुपर सू का प्रॉम्प्ट है वो आ चुका है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन रूट एक्सेस प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। सो यहाँ इतना ही मेथड था, इसके अलावा कोई लॉजिकल काम हमारे डिवाइस में है ही नहीं। सो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, एंड आई होप आप लोग को ये मेथड पसंद आएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट और फ्रेश मेथड है एंड अभी तक शायद ही आप लोग को यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये मेथड नहीं पता, एंड आई होप आप लोग को ये मेथड पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मेथड आप लोगों को कैसा लगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।